HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमेडी किंग के नाम से पहचान बनाने वाले कपिल शर्मा के लिए लगता है ये साल कुछ सही नहीं है। पहले अपने कोस्टार से झगड़ा और अब उनकी तबीयत। जी हाँ, कपिल शर्मा की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। अक्सर वे सेट पर बेहोश हो जा रहे हैं। बुधवार को मुबारकां की स्टार कास्ट अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, इलियाना डेक्रूज और आथिया शेट्टी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो में पहुंची थी, लेकिन कपिल के बेहोश होने के कारण शूट कैंसिल हो गया था। कपिल को कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया। कुछ ऐसा ही शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ भी हुआ था। वो भी अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के लिए शो में पहुंचे थे, लेकिन उस दिन भी कपिल की तबीयत खराब हो गई थी और शाहरुख और अनुष्का को बिना शूटिंग किए ही लौटना पड़ा था। कपिल के बार बार शूट कैंसिल करने से लोग उन्हें अनप्रोफेशनल कह रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इस मामले में उनकी बहन का बयान आया है। मीडिया को इंटरव्यू देने के दौरान उनकी बहन पूजा देवगन का कहना है कि कपिल अनप्रोफेशनल नहीं है, वो अपने काम का पूरा सम्मान करते हैं और शूट कैंसिल करने पर कभी कोई सफाई भी नहीं देंगे। पूजा ने यह भी बताया कि कपिल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार से इस बारे में नहीं बताया है। पूजा कुछ समय पहले ही कपिल से मिलने आई थी।